हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 के लिए वीडियो नंबर 10। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 9, उसमें हम लोगों ने बात करी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। हम लोगों ने लॉ देखा था कि सर लॉ में ऐसा लिखा हुआ था वहां पर कि एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी देन एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। हमने वहां पर कुछ छह असम्पशंस देखे थे, उसके अलावा हम लोगों ने वहां शेड्यूल बनाया था, ग्राफ बनाया था। वहां तक मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारी पिछली वीडियो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करिएगा। सर ये टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, शुरू करते हैं। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा विथ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो प्राइस होगी और जो इनकम होगी उससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां मिल जाएगा वो सिचुएशन कहलाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली। सिंपल सी चीज है सर, हम लोग एज अ कंज्यूमर कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं तो उसके पीछे हमें चाहिए कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। सर एज अ कंज्यूमर कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब उससे ज्यादा कंज्यूम करा तो भी सेटिस्फेक्शन कम होगा, उससे कम कंज्यूम किया तो भी सेटिस्फेक्शन कम होगा। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले फ्रॉम हिज गिवन इनकम, उसकी जो इनकम है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और जो कमोडिटी की प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई बात समझ में, ठीक है। अब सर ये लॉ समझने के लिए यहां पर हम बात करते हैं। सर ये जो टॉप कंसेप्ट है ये समझने के लिए हम लोगों को इसके टाइप्स पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे इसके दो टाइप्स है, वैसे तीन टाइप होते हैं, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, इन केस ऑफ मोर देन टू कमोडिटीज। मोर देन टू कमोडिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपके लिए दो ही चीज है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी मतलब क्या हुआ, एक कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज को कंज्यूम कर रहा है, दो कमोडिटीज नहीं है, एक ही कमोडिटी है, तो एक कमोडिटी पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। और जब कंज्यूमर दो कमोडिटी एक साथ कंज्यूम कर रहा है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, ये हम लोग एक एक इंडिविजुअल टॉपिक में समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। आई बात समझ में, एक बार फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। फटाफट एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। यहां से सुनिएगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। जब कंज्यूमर कोई सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। एक मैं आपसे नॉर्मल सी चीज पूछता हूं, मान लीजिए सर आप मार्केट गए, लेट अस सपोज आप पानी पताशे गोलगप्पे खाने गए। आप सर मार्केट में गोलगप्पे खाने गए, 10 रुपए के आपको बोला कि 5 गोलगप्पे मिलेंगे, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, या यूं कहें कि आप खुद को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कब समझोगे, जब आपको 10 रुपए जो आपके लग रहे हैं आपको उसके बराबर उसकी क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। जब आपको अपने 10 रुपए के बराबर उसकी वैल्यू मिलेगी तो आपको क्या लगेगा कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुआ है। आपने सर क्या किया, 10 रुपए दिए, गोलगप्पे खाए। मान लीजिए जब आपने गोलगप्पे खाए आपको लगा यार मुझे तो इससे 10 रुपए क्या, मुझे इससे 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला है, तो क्या आप लोग क्या आप क्या भाव, क्या मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं।
तो हम लोग बात क्या करते हैं, जब हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हमारी प्राइस के बराबर मिल जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं कि सर मुझे उस कमोडिटी से क्या मिल गया है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। मान लीजिए आप गोलगप्पे खाने गए, गोलगप्पे खा रहे हैं सर, पता चला आपने जब गोलगप्पे खाने शुरू किए आपको लगा यार 10 रुपए में सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है 15 रुपए का। कितने का मिल रहा है? 10 रुपए में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 15 रुपए का। जब आपको 10 में 15 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप क्या करोगे, और खाओगे या रुक जाओगे कि नहीं यार बस बहुत हो गया। जब आपको अपनी कीमत से ज्यादा अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितनी आपको प्राइस लग रही है, जितनी आपकी कॉस्ट है, अगर आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा और कंज्यूम करना चाहेगा। अब कोई इसलिए आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे क्योंकि आपको कम रुपए में ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको कीमत कम चुकानी पड़ रही है पर आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है। उस केस में कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करता है कि और कंज्यूम करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा, जहां पर उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसकी प्राइस के बराबर आएगा। गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गुड्स की प्राइस के बराबर हो जाए वो पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। समझना ध्यान से क्या बोला, जहां पर आपने जितना पैसा दिया गुड्स के लिए, गुड्स की प्राइस जो है उसके बराबर जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि नहीं मुझे इतनी, मान लीजिए 10 रुपए के गोलगप्पे, जब आपको 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपको लगे कि नहीं यार इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है ये 10 रुपए का ही है, ना 10 रुपए से कम ना 10 रुपए से ज्यादा, जब ऐसा हो जाए तब कंज्यूमर किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब सर आप बोलो कि ये हमें पैसा कैसे चलेगा। सर यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल टर्म्स में बातें कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कॉन्सेप्ट जो आप रेगुलर बात करते हैं। जैसे आप रेगुलर हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है कि सर हम लोग जनरली इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि यूटिल्स वगैरह बात नहीं करते हैं, यूटिल्स में 60 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, पर इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बोल रहा हूं। जब आपको किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मॉनेटरी टर्म्स में, अगर वो आपकी गुड्स की प्राइस के बराबर हो जाए उस केस में हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर किसमें है सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर किसमें इक्विलिब्रियम में है। आपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए सर, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिला 20 का, 10 रुपए के गोलगप्पे से 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, या यूं कहूं कि 10 रुपए के गोलगप्पे दिए खिलाए उसने 20 के जितने, तो होगा क्या? थोड़ा ध्यान से सुनना, 10 के गोलगप्पे में 20 का सेटिस्फेक्शन मिला है 20 रुपए का, तो आप क्या करोगे और गोलगप्पे खाओगे। क्यों? क्योंकि सर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा तो आप और खाओगे, तो और तब तक खाओगे जब तक कि आपको बराबर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता दोनों से। आपको 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा जब तक, तब तक आप कंज्यूम करोगे। आई बात समझ में? ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अब हो भी सकता है कि आप पहले ही बंद कर दो, पर अगर आप पहले पहले अगर कंजम्पशन बंद कर दोगे तो वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। देखिए ध्यान से क्या बोला है, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट क्वांटिटी वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। जब एक्स से मिलने वाला मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, एक्स मतलब हमने यहाँ पे गुड्स का नाम ले लिया एक्स, कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इट्स इक्वल टू इट्स प्राइस, किसी भी गुड्स से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन अगर उसकी प्राइस के बराबर आ जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया सर। आई बात समझ में? देखिए कैसे सर, MUX किसके बराबर हो जाए, PX के बराबर, या फिर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, या फिर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। MUX मतलब X से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, X की मैं यूनिट्स बढ़ाते जा रहा हूं मेरे को एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पानी पताशे खाने गए, या लेट अस सपोज आप क्या कर रहे हैं कि कोई चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं, आपने पहली बार चॉकलेट खाई, मान लीजिए आपने डेरी मिल्क खाई सर, 10 रुपए वाली डेरी मिल्क खाई, फर्स्ट डेरी मिल्क खाई आपको सेटिस्फेक्शन मिला 15 रुपए का, आपने एक और खाई अब आपको सेटिस्फेक्शन मिला 12 रुपए का, अब आपने एक और खाई अब सेटिस्फेक्शन मिला 10 रुपए का। एक बात बताओ, हमें पता है कि सर हम खाते जाएंगे सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, अब वापस आप सेटिस्फेक्शन खाओगे, सॉरी वापस अब जब आप डेरी मिल्क खाओगे तो अब 10 रुपए की जगह सेटिस्फेक्शन कितने का मिलेगा, कम का, तो क्या करेंगे हम वहीं पे सर रोक देंगे हमारा कंजम्पशन। देखेंगे कैसे करना है इसको। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM समझा देता हूं सर, जब कंज्यूमर क्या करे कि 1 रुपए की वैल्यू को यूटिल्स में डिफाइन कर दे कि सर 1 रुपए से मुझे इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला मुझे 1 रुपए में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसका मतलब
किसी भी कमोडिटी से अगर मुझे 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस कमोडिटी से मुझे मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है। मतलब मान लीजिए मैं मार्केट गया, मैंने एक्स को कंज्यूम किया, कोई भी कमोडिटी है एक्स, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का। कितने यूटिल्स का? 10 यूटिल्स का। और मेरे लिए 1 रुपया मतलब 5 यूटिल्स है, 1 रुपीज मतलब कितना है? 5 यूटिल्स। मेरे लिए क्या है? 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स। तो 10 यूटिल्स मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन कितने रुपए का मिल रहा है? अगर रुपीज के टर्म्स में बात करूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितने रुपए का मिलेगा? 2 रुपए का। MUM का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसका मतलब है वर्थ ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। आपने मनी की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूटिल्स में। मनी से कितने, 1 रुपए से कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है? हो सकता है आपको 1 रुपए से 1 यूटिल्स का मिले। आप डिफाइन कर लीजिए आपके लिए यूटिल्स कितना है, वो सबके लिए अपना अपना होगा। आपने बोला कि सर मेरे लिए 1 रुपया मतलब 1 यूटिल्स, आपने बोला मेरे लिए 1 रुपया मतलब 10 यूटिल्स, वो भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना कैटेगराइजेशन होगा उसमें। तो MUM का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 5 यूटिल्स, अगर 1 रुपए का मतलब 5 यूटिल्स है, इसका मतलब कमोडिटी गिविंग 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू 1 रुपी फॉर अ कंज्यूमर। अगर किसी कमोडिटी से आपको 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब आपको 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आगे बात समझ में। PX मतलब प्राइस ऑफ X, PX मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ गुड्स X। अब मैं इसको न्यूमेरिकली समझाता हूं कि सर क्या चीज। मैंने अभी आपको बोला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा, जब गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गुड्स की प्राइस के बराबर आ जाए। गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसकी प्राइस के बराबर आ जाए तब हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। अभी देखिए मैं कैसे डिराइव कैसे देखते हैं इसको। सर मैंने क्या किया है, MUM को लिया 5, MUM 5 लिया मतलब 5 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मतलब 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन। और मैंने कमोडिटी ली X जिसकी प्राइस रखी मैंने 6 रुपए। कितनी रखी प्राइस? 6 रुपए। अभी देखना, मैंने 6 क्वांटिटी कंज्यूम करी। फर्स्ट क्वांटिटी पे, इसको बाद में देखना बेटा, पहली क्वांटिटी पे 50 यूटिल्स, सेकंड पे 40, थर्ड पे 30 यूटिल्स, फोर्थ पे 20 यूटिल्स, फिफ्थ पे 10 यूटिल्स और सिक्स पे 0 यूटिल्स। ये यूटिल्स क्या है कि मुझे सेटिस्फेक्शन कितना कितना मिला। पहली कमोडिटी पे 50 का मिला, सेकंड पे 40 का, थर्ड पे 30 का, फोर्थ पे 20 का, फिफ्थ पे 10 का और सिक्स पे 0 का। ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन, पहली कंज्यूम करी तो 50 का सेटिस्फेक्शन आया, दूसरी से एक्स्ट्रा आया 40 का, तीसरी से एक्स्ट्रा 30 का, फोर्थ से एक्स्ट्रा 20, फिफ्थ से एक्स्ट्रा 10 और सिक्स्थ से एक्स्ट्रा 0। आई बात समझ में? ये मेरा MUX हो गया। ये किसमें है अभी? ये है सर यूटिल्स में। किसमें है? यूटिल्स में। अब MUM मेरे लिए 5 है, हर क्वांटिटी में मेरे लिए MUM कितना है? 5। मतलब अगर मुझे किसी से 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो मेरे लिए मॉनेटरी टर्म्स में 1 रुपए के सेटिस्फेक्शन के बराबर है। अब मैंने क्या किया, ये जो सेटिस्फेक्शन यूटिल्स में था इसको कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। MUX अपॉन MUM, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे किसी कमोडिटी से 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है और मेरे लिए 1 रुपया मतलब 5 यूटिल है, तो मुझे इस कमोडिटी से कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला? 50 अपॉन 5, 10 रुपीज का। वापस समझो क्या बोल रहा हूं। सर मैंने एक कमोडिटी कंज्यूम करी, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मान लेटर सपोज कहता हूं कि मेरे लिए मैंने डिफाइन कर दिया 1 रुपीज इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। 1 रुपीज कितना डिफाइन कर दिया मैंने? 5 यूटिल्स। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी कमोडिटी से 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए 1 रुपया वसूल है, 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल गया मुझे। यहां पर कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आया? 50। मेरे लिए 1 रुपया मतलब कितनी यूटिल्स है? 5। तो कितने रुपए का मिला? 50 डिवाइड बाय 5, 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। ये रुपीज में आ गया। ये सेटिस्फेक्शन किसमें आ गया? रुपीज के अंदर। ये सेटिस्फेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स रुपीज। 40 डिवाइड बाय 5 8, 30 डिवाइड बाय 5 6, 20 डिवाइड बाय 5 4, 10 डिवाइड बाय 5 2 और 0 डिवाइड बाय 5 0। ये आ गया सर मुझे सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिक टर्म्स में, नंबर्स में, या रुपीज में बात करिए। ये सेटिस्फेक्शन किसमें आ गया? रुपीज में। आपने पहली यूनिट खाई, आपको 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। अभी ये चीज समझना थोड़ा ध्यान से। आपने हर यूनिट के लिए कितना रुपया दिया? 6 रुपए। आपकी कमोडिटी की प्राइस 6 रुपए है, ठीक है? आप 6 रुपए देके कमोडिटी खरीद रहे, कुछ भी गुड्स खरीद रहे हैं, 6 रुपए दिए, आपने पहली यूनिट खरीदी, आपको सेटिस्फेक्शन कितने रुपए का मिल रहा है? 6 रुपए पे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 10 का।
6 रुपए खर्च करके 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो एक रैशनल कंज्यूमर की तरह मैं क्या करूंगा, और कंज्यूम करूंगा। क्यों? मैं अगर किसी चीज से ज्यादा सेटिस्फाइड हूं तो मैं उसे और ज्यादा कंज्यूम करूंगा। ठीक है सर, सेकंड यूनिट कंज्यूम करी, सेकंड यूनिट पे मुझे 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, लग मेरी जेब से 6 रहे पर सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, 8 रुपए का। तो मैंने क्या किया, एक और यूनिट कंज्यूम करी, 6 रुपीज से 8 का सेटिस्फेक्शन, तो मैंने एक और करी थर्ड। जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 6 रुपए का, कितने रुपए लगा के, 6 रुपए लगा के 6 का सेटिस्फेक्शन मिला। अभी दिमाग में एक चीज बैठी मेरे, पहले 10 रुपए का मिला, 6 रुपए देखे, पहले 10 का मिला, फिर बाद में वापस 6 दिए, अब 8 का मिला, अब 6 दिए, 6 का ही मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं अगली बार 6 रुपए और दूंगा किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए तो मुझे अगली यूनिट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम रुपए का मिलेगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसके बाद भी आपने कंज्यूम किया, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, फोर्थ यूनिट पे आपको सेटिस्फेक्शन कितने रुपए का मिल रहा है, 4 रुपए का, आपकी जेब से गए 6 रुपए पर अभी संतुष्टि सिर्फ कितने की हो रही है, सेटिस्फाई कितने के लिए हो रहा हो, 4 रुपीज के लिए। आप एक रैशनल कंज्यूमर है सर, आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप जूस पीने गए, 30 रुपए जूस की ग्लास के लग रहे हैं पर आपको सेटिस्फेक्शन 10 का ही मिला है, आप जूस पियेंगे क्या, और जूस पियेंगे क्या, नहीं पियेंगे। पर अगर आपको 30 रुपए की ग्लास में 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो मुझे बताइए क्या आप और जूस पियेंगे या नहीं पियेंगे। पियेंगे सर, भूख को मारिए गोली, भूख की बात नहीं है, इच्छा की बात तो नहीं हो रही है, यहां सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। 30 रुपए में जब 100 का मिल रहा है तो आप बिल्कुल पियोगे, एक्स्ट्रा पियोगे। 30 रुपए में 50 का मिल रहा है तो भी पियेंगे एक्स्ट्रा, बट अगर 30 रुपए में 20 रुपए या 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो सर आप नहीं पियोगे। मैं वो उत्तर लिख के दे देता हूं, अगर आपको 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और अगर आप मार्केट में 30 रुपए लेके जाते हो, 30 रुपए का जूस पीते हो पर आपको सामने सेटिस्फेक्शन 10 रुपए या 20 रुपए का ही मिलता है, आपको लगता है यार ये तो 20 रुपए की कीमत ही है इसकी, इससे अच्छा तो 20 रुपए में मिल जाता, इससे अच्छा 10 में मिल जाता, तो क्या आप और वहां पे जूस पियोगे, क्या नहीं पियेंगे। वही गणित यहां लग रही है, वही लॉजिक लग रहा है, 6 रुपए लगा के 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं कंज्यूम करूंगा। 5वीं कंज्यूम करते तो 6 लगा के 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलता, और 6th भी कंज्यूम करते तो 6 रुपए लगा के 0 का सेटिस्फेक्शन मिलता। अभी मेरी एक बात समझना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब हो जाएगा, जब 6 रुपए लगा के 6 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 6 रुपए की प्राइस और सेटिस्फेक्शन 6 रुपए का। मतलब कंज्यूमर को कहां पर रुक जाना चाहिए, थर्ड यूनिट पर रुक जाना चाहिए। यहां पर 10 रुपए का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, 6 रुपए लगाए 10 का मिला, अच्छी बात है, 6 लगाए 8 का मिला, ये भी अच्छी बात है, पर यहां पे 6 लगा के 6 का मिल गया, यहां रुक जाओ सर। क्यों? अब और कंज्यूम करोगे तो ये तो पता है कि सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो इसका मतलब है आपको नुकसान होगा, यहां पे रुक जाइए। अ कंज्यूमर शुड कंज्यूम ओनली 3 यूनिट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सिर्फ 3 यूनिट कंज्यूम करे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आई बात समझ में? MUX अपॉन MUM किसके इक्वल हो गया, PX के बराबर। अगर MUM 1 है, अगर ये MUM 1 होता है तब तो ये चीज चलेगी, अगर MUM 1 नहीं है तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रहा, यहां पर कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका ग्राफ देख लीजिए, ये MUX का ग्राफ, ये हम लोगों ने अभी बनाया था, पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था, पिछले वाली वीडियो में देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, 0 को कट करके नेगेटिव होगा। प्राइस कॉन्स्टेंट है, 6 ही हर बार, तो 0 कमोडिटी खरीदो, 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3, 4, 5, प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है। तो जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे वो पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये E क्या डिनोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम, और ये Q1, यहां पे मैंने Q1 लिखा है, ये Q1 है। Q1 क्या डिनोट कर रहा है सर, अ क्वांटिटी वेयर कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर Q1 तक कंज्यूम करेगा ना, Q1 तक कंज्यूम कर लो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, पर अगर आपने उसके बाद कंज्यूम किया ना तो सर दिक्कत हो जाएगी कि आपको नुकसान होने लग जाएगा, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आई बात, हम यहां टोटल TU की बात नहीं कर रहे हैं, देखना बच्चा लोग कंफ्यूज मत होना, हम लोग टोटल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की। आ गया समझ में, क्लियर हुआ, एक बार ये फटाफट नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं। फास्ट देखिए, आज हम लोगों ने बात करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझा, और हम लोगों ने बात करी कि सर इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी, हम लोगों ने बात करी कि सर उसके फॉर्मूला क्या होंगे, MUX = PX,
या MUx upon MUm is equals to PX या MUx upon PX is equals to MUm, जहां पर MUx किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, PX प्राइस ऑफ x, और MUm मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हम कहते हैं वर्थ ऑफ अ रुपी इन टर्म ऑफ यूटिल्स, एक रुपए की कीमत यूटिल्स में कितनी है। ठीक है, यहां पर आज हम लोगों ने शेड्यूल देखा और शेड्यूल के थ्रू हम लोगों ने पता लगाया कि सर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस वीडियो को वापस देख लीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स असाइनमेंट या वर्कशीट्स वगैरह चाहिए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज, इवन नोट्स, वर्कशीट्स, असाइनमेंट सभी प्रोवाइड हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।